हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जब भी आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, उसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। राइट, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि फेस करनी पड़ती हैं जब भी हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ये कि द कॉस्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज सेट टू बी पोजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करवाने में जो खर्च पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो पुअर कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, जो लेस डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जितने कॉस्ट पे करने पड़ते हैं वो उनको पे कर सके। बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है उनको वहां पे करना पड़ता है जब भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड न्यू आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल बाय वे ऑफ रॉयल्टीज, डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड द टेक्निकल फीस। तो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी होता है, जब भी कोई कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, जब कोई बाहर की कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है हमारे इंडिया की, तो बाहर की कंपनी जो है हमारे इंडिया में पैसे के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती है, ताकि हमारी कंट्री का जो काम करने का जो तरीका है वो और इन्हेंस हो पाए और चीजें जो है फटाफट हो पाए, जल्दी जल्दी आप चीजों को जो है कर पाए और आपका जो यू नो जो कस्टमर है वो उसको आप बहुत ही जल्दी अपने प्रोडक्ट को सर्व कर सकें। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने से ये एक हेल्प हुआ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो है थोड़ी सी हेल्प मिली है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्ट होता है आता है उसी के थ्रू जो है ये चीजें हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ जो है रॉयल्टीज उनको आपको पे करनी पड़ती है, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह जो है पे करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब आप देखो, जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब ये चीजें आएंगी तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। आप जो आप उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उनको रॉयल्टी उस चीज के लिए पे करनी पड़ेगी। आपको डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, आपको टेक्निकल फीस वगैरह जो है पे करनी पड़ेगी, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स है। आसान तो हुआ है कि एफडीआई के तहत चीजें आ जा रही है, टेक्नोलॉजी आ जा रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट एवरीबॉडी एनकाउंटर्स व्हेनेवर दे यू नो ट्राई टू ब्रिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इज सपोज टू बी एप्रोप्रिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। तो जो होस्ट कंट्री होगी उसकी इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अगर वो जरूरी है लाना तो फिर वो लाना तो जरूरी है भाई, वो तो फिर लाना होगा, है ना? तो ये सपोज टू बी एप्रोप्रिएट हो जा रहा है ना? ये एकदम सही नहीं है कि आपको लाना ही है, बट ये डिपेंड करता है, ये अप्रोप्रिएट है कि आपके जो कंट्री का फिजिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हो, आप लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। रिपोर्टेडली देयर आर केसेस इन विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज बीन इररिलेवेंट एंड इनअप्रोप्रिएट टू द रिसिपिएंट कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड इन द कंफ्लिक्ट विद द नेशनल एथोस, है ना? तो कोई कंट्री सपोज खाने को उसके पास पैसे नहीं है और वो ऐसे चीजों का प्रोडक्शन करना चाह रही है जिसके लिए आपको बहुत ही लेविश लोगों के को आपको केटर करना पड़ेगा, वैसे लोग ही आपके कंट्री में नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आप कैसे रन करोगे? तो आपकी कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, जो रेलिवेंट होगा, आप तो वो मंगवाओगे ना। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी आप बाहर से क्यों मंगवाओगे जो आपकी कंट्री के लिए रेलिवेंट नहीं है? तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो रहा है वो कई बहुत सारी कंट्रीज के लिए इररिलेवेंट रहा है, क्योंकि उनको उस चीजों की जरूरत ही नहीं है। उनका सोशियो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटी है वो कुछ और ही है, वो चाहते हैं लोगों को खाना खिलाना, ना कि कपड़े पहनाना, है ना? तो डिपेंड करता है कंट्री का जो भी यू नो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एप्रोप्रिएट जो उनका है चीजें, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए। पर अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे, अगर आप गलत टाइम पे यू नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको बिना वजह पैसे भी पे करने पड़ेंगे, तो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है बाद में। सो बिसाइड्स, टोटल डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी मे नॉट बी द नेशनल इंटरेस्ट इन द लॉन्ग रन। और इसके बाद ये भी बात बोली जाती है कि अगर आपका टोटल डिपेंडेंस है फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लॉन्ग रन में ये आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप कब तक डिपेंडेंट बन के रहोगे, है ना? एक टाइम पे आ करके ऐसा होगा जब वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाएगी, तो अब आपको नई टेक्नोलॉजी के लिए किसी और कंट्री पर वापस से डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट?
तो इसीलिए बोली जा रही है बात कि लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना सही नहीं है। और चाइना ने यही किया, उन्होंने फॉरेन टेक्नोलॉजी को लाया तो, लेकिन उसकी कॉपी इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर दी, इवन उसके ऊपर R&D की अपनी टीम को खटवाया, अच्छे तरीके से काम करवाया, जिसके जरिए वो अभी किसी भी चीज के लिए किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद ही से मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही से उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द परपेचुएशन ऑफ डिपेंडेंस मे हैम्पर एंड डिस्करेज लोकल साइंटिस्ट एंड टेक्निक्स फ्रॉम डिवोटिंग देयर एबिलिटीज टू बेसिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। अब जब आप हर बार फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं, जो जो टेक्नीशियंस हैं, वो एक तरीके से उनका मोरल डाउन होगा कि भाई जब सारी चीजें बाहर से आ जा रही हैं तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम इस चीज में मेहनत ही क्यों करें, राइट? तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, या देना भी चाहिए तो लिमिटेड देना चाहिए, और लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो अच्छा है वो नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसका नजर हमें आता है। तीसरा पॉइंट है द रोल ऑफ MNC इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस इन होस्ट कंट्रीज आर नोन एज हैव अ डिटरेंट इफेक्ट ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो तो भाई फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट जो है आपकी कंपनी में एक तरीके से लॉन्च कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, तो आपकी कंट्री को उन सब चीजों के साथ इक्वेंट करने में, चलाने में जो है आपको दिक्कत होने लगती है, आपकी जो इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है उसके लिए वो जो है एक थर्ड पोज करने लगता है। तो MNCs जो है वो भी एक तरीके से थ्रेट क्रिएट कर रही है, MNCs जो है वो भी हमारे लिए एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, है ना? सब सर्विसेज एंड डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी इनहिबिट द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू इनिशिएट इवन मोर अडैप्टिव रिसर्च और टू अडैप्ट लोकली डेवलप्ड प्रोसेस, है ना? तो ये सारी दिक्कत जो है आपको यहाँ पे शो देखने को मिलती है कि MNC जब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो जो होप कंट्री है वो एक तरीके से डिटरेंट हो जाती है, और वो ज्यादा जो है प्रमोशन नहीं करती है, ज्यादा जो है उनको जो जहाँ पे ध्यान देना चाहिए उस चीज के ऊपर वो ध्यान नहीं देती। उनको ध्यान देना चाहिए कि उनको प्रमोट करना चाहिए जो लोकल जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है उस चीज के ऊपर, बट वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, जिसके कारण से उसका नुकसान जो है हमें लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। चौथा नंबर पॉइंट है फॉरेन एंटरप्राइजेज विद सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इन मेनी केसेस हैव सबड्यूड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप व्हाइल स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट्स सफर्ड द मोस्ट, है ना? तो समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि जो फॉरेन एंटरप्राइजेज होती है जिनके पास बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है, जिनके पास कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ होता है, वो आपकी कंट्री में नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और आपकी कंट्री का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो लेवल है, जो आपकी कंट्री का जो 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 साइंटिस्ट का लेवल है, जो साइंटिस्ट का मोराल है उसको डाउन कर देते हैं, और उसके कारण से जो हमारे इंडिया की जो जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, उनको सबसे ज्यादा लॉसेज यहाँ पे होती हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के पास, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे कोलगेट का एग्जांपल ले लो, क्या इंडिया में बबूल नहीं था, क्या इंडिया में पतंजलि नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कोलगेट ही खरीदेंगे। वो इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंट हो गए हैं, राइट? तो ऐसा होता है कि जब भी फॉरेन एंटरप्राइजेज जो कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी है किसी के पास, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है, जब उनको मौका देते हो अपनी कंट्री में, तो जब वो आती हैं तो आपके यहाँ की जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनको सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे जो है झेलना पड़ता है। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम इज अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो कॉन्सिक्वेंट अपॉन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिसिमेंटेशन एंड अडेप्टेशन आर नॉट ऑलवेज डिराइव्ड बाई द होस्ट कंट्री नॉर आर दे कैटलिटिक अफेक्ट ऑफ MNCs इन द प्रमोशन ऑफ R&D, है ना? तो देखो ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवा ली और आप उसका इस्तेमाल करने लगे, है ना? आपको दिक्कत होती है उस चीज को इस्तेमाल करने में क्योंकि आपको पता नहीं होता कि भाई उस चीज को कैसे करना है। तो जो प्रोसेस ऑफ डिसिमेंटेशन है या फिर अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो भी आपने बाहर से मंगवाया है, उसको एक तरीके साथ साथ आपको एक बैठने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपको काफी समय लगाना पड़ता है उस चीज के साथ इक्वेंट होने में, राइट? और इसका इफेक्ट जो है वो MNCs के ऊपर देखने को मिलता है। MNCs जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उनका जो R&D काम करता है, जिसके कारण से वो जो है यहाँ पे बेनिफिट लेकर के चली जाती हैं। आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया, आपने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, उसका बेनिफिट आप उठा भी नहीं पाए, तब तक जो MNCs होंगी जो कि सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है कई सालों से, वो आकर के आप उसका बेनिफिट उठा करके आप लेकर के चली जाएंगी, और आपका जो पैसे आपने जो इन्वेस्ट करें वो कम्प्लीटली जो है आपका लॉस हो जाएगा, राइट? तो ये पांचवा प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगा जब भी आप फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है? और ज्यादा नहीं करवा रहा हूं उसमें। छठा जो यहाँ पे पॉइंट
बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि फर्दर ये देखा जाता है कि देयर हैज बीन अ नोटिसेबल टेंडेंसी ऑफ सम फॉरेन कॉर्पोरेट्स टू ट्रांसफर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा देखा जाता है कई बार कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, वो किसी कंट्री को जो कि लेस डेवलप्ड कंट्री है वो उसको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी देती है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी के समय में इस्तेमाल नहीं हो रही है वो उनको इस्तेमाल करने के लिए देती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, कुछ सालों पहले तक हमारे इंडिया में 2 GB RAM 4 GB RAM चलता था, जो हम ऐसे जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते थे। अभी तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया, आपको पता है कि वो कितना फास्ट होता है ना। पहले SSD चलता था। तो अमेरिका हमसे 4-5 साल आगे इसलिए है क्योंकि अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है वो हमारे इंडिया में आते आते ही हमें हमें जो है 2 से 3 साल 4 साल का समय यहाँ पे लग जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ठीक तरीके से करते नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने तैयार करी है उसका इस्तेमाल वो ठीक तरीके से कर लें, पूरे मार्केट को एक्सप्लॉइट कर लें, फिर जाकर के वो किसी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तो जब उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, जब उनके पास 10th जनरेशन होगा तो हमारे पास 5th या 6th जनरेशन चल रहा होगा, ऐसा होता है। तो ऐसा कई बार नोटिस किया गया है जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रांसफर कर देते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज को। राइट, टू कोट एन एनालिस्ट, मोस्ट कंट्रीज ऑफन डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड दस कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड, वेयर एज द ओनर्स ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज द डेवलपिंग कंट्रीज एज अ मीन्स टू सैल्वेज टेक्नोलॉजी एंड दैट इज एब्सोल्यूट इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इवन दो दे पोजेस मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। है ना, जो मैंने कहा वही चीजें जो है यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं, पर वही सारी चीजें हैं कि कंट्री जो है शेयर नहीं करती हैं, वो इसलिए शेयर नहीं करती हैं ताकि बाकी कंट्री जो है उनके साथ कम्पीट ना कर पाए, है ना, दूसरी कंट्री को जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट बना करके रखा जा सके। दीज आर द फ्यू यू नो प्रॉब्लम्स जो कि देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के केस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बताया कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।